का जो भी कुछ स्किल्स है वो स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो जाए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लेटर लिखना नहीं आता है, तो लेटर कैसे लिखते हैं, तो लेटर के क्या क्या प्रकार है, वो उस तरह के हर मंथ में हम एक एक लेटर इस तरह का रखेंगे। और आपको जो भी कुछ दिक्कतें आती है वो दिक्कतें हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये हिंदी दिन की का जो कार्यशाला है, एक्चुअली आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, और हिंदी एक राज्यभाषा के तरह सभी इसमें इंग्लिश के साथ साथ वो उपयोग में लानी है। तो बहुत सारे ऑफिसेस में इंग्लिश का ही ज़्यादा ये रहता है, तो हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ये इसका प्रामुख्य में ये लक्ष्य है। तो ये हिंदी हम हमारे सब नोटिंग में, ड्राफ्टिंग में, और जो भी कुछ हम रोज की जो गति, वैसे तो हम बोलते हिंदी में ही है, इंग्लिश में वैसे कुछ हम बोलते नहीं है। तो राइटिंग में भी हम मीन्स लिखने में भी हम हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और जो सरकारी भाषा जो है वो अभी आपको गौरव जी बताएंगे कि किस तरह से वो उसका आपको उपयोग करना है। अभी मैं भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड वर्ड शब्द उपयोग कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आदत हमें भी ये लगी है कि बहुत सारे मिक्स हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना है। तो अभी शुद्ध हिंदी कैसे बोलते हैं, किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, वो गौरव जी आपको बताएंगे। तो ये कार्यशाला के लिए आपको सबको शुभकामनाएं, और आप हिंदी अच्छी तरह से इसमें पढ़ोगे ये मैं आशा करता हूँ।